अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, उमर अख्तर फ्रॉम स्टॉक्स एंड इक्विटीज़ डॉट कॉम डॉट पी के। द सेशन वी गोइंग टू कवर इज़ फॉर February 4, 2021, लास्ट वीक ऑफ द डे। और हमारे पास एक फ्लैट सेशन ही मिला हमें, काइंड ऑफ इंट्राडे में आपने मार्केट को, हमने इंडेक्स को 47,000 क्रॉस करते हुए बड़ा देखा। इट वॉज इन ग्रीन और फाइनली विथ करेक्शन एंड इट एंडेड मोर लाइक फ्लैट, slightly down by 0.06%, 27.84 points, and it closed on 46,905.79. आपका overall traded volume was 238.32 million shares. हम बात यह है कि इंडेक्स अपने लास्ट 3.5 साल के हाईएस्ट वैल्यू पे तकरीबन उसने आपको दिखा दिया है आज ये फ्राइडे के सेशन में। और हम इन्हीं टेक्निकल इंडिकेटर्स की लाइट में देखेंगे कि इंडेक्स की नेक्स्ट मूवमेंट और नेक्स्ट क्या हो सकती है। और लाइक इट, जैसे क्या मालूम है कि दिस इज़ द वीक, वीक एंड हो रहा है, लास्ट डे ऑफ द वीक, तो हम इस सेशन में अब थोड़े से फंडामेंटल्स भी कवर करते होते हैं। और इन फंडामेंटल्स में एक तो ये जहन में रखिए कि द प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो हम देखते हैं डैट स्टैंड 7.6%, और एशिया पैसिफिक की जो है वो 7.6 टाइम्स, और एशिया पैसिफिक की जो रीजन की जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग है वो 17.1 टाइम्स है। डिविडेंड यील्ड जो है हमारी कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वो 6.3% है वर्सेस 2.6 एवरेज डिविडेंड यील्ड ऑफ 2.6% बाय द एशिया पैसिफिक रीजन। एक जो हमारे पास जो बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कि जो हमारी जो जनवरी की एक्सपोर्ट्स हैं वो भी 2 बिलियन पे से ऊपर रही हैं, और दिस इज कंसेक्यूटिवली ये हम फिगर देख रहे हैं फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव मंथ, फोर्थ हम ये देख रहे हैं। हमारे पास कोविड केसेस में डिक्लाइन आया है, वैक्सीनेशन ड्राइव एक शुरू हो गई है पूरे पाकिस्तान में, क्रूड ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली इम्प्रूव हो रही हैं, और जो मेन चीज़ है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट रिजल्ट हैं, अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं कंपनीज की, एवरी सेक्टर के पीछे जो परफॉर्म हमें करते हुए नजर आ रहे हैं कोई फंडामेंटल्स हैं। नेगेटिव में अगर आप देखिए तो जो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 2.5% ऑफ GDP है। कोई ना कोई अनफॉर्सीन इवेंट की बातें हैं कि कोई ना कोई अनफॉर्सीन इवेंट है जो मे बी ट्रिगर करे एक ऐसी करेक्शन को कि हमारे KSE 100 इंडेक्स को उसके अवर बॉट जोन, जो टेक्निकली अवर बॉट जोन है, उससे उसको निकालेगा। इंक्रीज इन पेट्रोलियम प्राइसेस, लोकल हमारी पेट्रोलियम प्राइसेस में इंक्रीज की बात हुई जो ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ाएगा, एवरीवन विल बी अफेक्टेड। ये चीज़ें हैं। अगर अब हम अपना टेक्निकली स्टार्ट करें अपना एनालिसिस, तो इंडेक्स सीम्स इचिमोको, एज पर इचिमोको इट सीम्स स्ट्रॉन्ग, इट्स गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। हमें करेक्शन चाहिए डिस्पाइट ऑफ बीइंग इट्स ओवरबॉट जोन में होने के बावजूद हमें वो मिल ही नहीं पा रही, क्योंकि हमारे जो वो हैं सीम्स है कि इन्वेस्टर वो काफ़ी बुलिश हैं, वो इंडेक्स को लेके चलते हुए जा रहे हैं। दूसरी साइड पर अगर आप देखिए स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नंबर्स भी हैं, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नंबर्स हैं हमारे पास। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट द वैल्यू ऑफ 72, और हमने जो हाईएस्ट जो हम देख रहे हैं कि जिस पे हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वो 80 की वैल्यू पे नज़र आती है। ये मैंने शायद आपसे पहले भी डिस्कस किया अपने पिछली वीडियोज़ में, जब 80 की वैल्यू पे हमारा RSI था तो इंडेक्स यूजिंग क्लोजिंग थी ऑलमोस्ट 46,091 के पास। आज हमारे पास इंडेक्स की क्लोजिंग तकरीबन 46,905 या मैं 47,000 कह दूं, और हमारा जो RSI 71-72 पे हो गया। टाइम गुजरने के साथ साथ हमारा जो RSI है उसने अपनी वैल्यू को नीचे ले आया। अब वही बात है कि अगर आपने 80 की वैल्यू पे, मैं कहूँ कि RSI चला जाए और इंडेक्स पे, तो मैं तो शायद 48,000 से भी ऊपर इंडेक्स देख रहा हूँगा, मगर स्टिल मैं एक्सपेक्ट यही करता हूँ कि इंडेक्स को अगर करेक्शन मिले हमें थोड़े से, या तो फ्लैट सेशन रहें या फिर ये अपने आप को थोड़ा सा सेटल डाउन करे। अगेन 4 फरवरी हो गई है, 21 के बाद 21 फरवरी को FATF का रिव्यू भी है, ये भी जहन में रखिए। मैं यहाँ पे एक और छोटा सा आपके साथ टेक्निकल इंडिकेटर मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ, विच इज़ एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। और एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स को अगर आप देखिए तो वो अपनी तकरीबन हाईएस्ट वैल्यू पे, दैट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 51। एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स स्ट्रेंथ शो कर रहा होता है एक अपवर्ड मूवमेंट की, ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ जो करंट ट्रेंड है। तो ये अब
कंपनी उसकी हाईएस्ट स्ट्रेंथ, वो बहुत अच्छी एक स्ट्रांग स्ट्रेंथ शो कर रहा है, कि जो भी बुलिश ट्रेंड है, अपवर्ड ट्रेंड है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। मगर ऑन द सेम साइड अगर उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो वो उसने उसने भी एक वेव की सूरत में अपने आप को परफॉर्म करना है। हमने जो हाईएस्ट हमने देखी है इसकी एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स इस साल में वैल्यू 61, और उसके बाद इट ऑल्सो मूव इन अ वेव, इट कम्स बैक। आपको याद होगा जब हम वी वरंट बुलिश ऑन द इंडेक्स, अगर आप हमारी पिछली वीडियोस देखें, हम उस टाइम बुलिश नहीं थे और हम ये कहते थे कि एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स अपनी लोएस्ट वैल्यू पे आ गया, और इसका मतलब यह है कि इसके बाद इसने अपना एक ट्रेंड डिफाइन करना है इन आइदर डायरेक्शन। अगर वो इसके बाद उसने अपना एक ट्रेंड डिफाइन करना है, अब ये जब अपनी हाईएस्ट वैल्यू पे पहुंच रहा है तो इसके बाद इसने अपना एक ट्रेंड खत्म भी करना है, इसका मतलब ये भी है वो जो भी एक ट्रेंड है उसको अब खत्म हो गया। अब यही बात है कि 51 पे हो गया, मे बी मैक्सिमम भी शायद 61 तक चला जाए, मगर उसके बाद उसने बाद इसने इस ट्रेंड को खत्म करना है अपने इस बुलिश ट्रेंड को। आइदर हमें कोई छोटी मोटी करेक्शन मिल रही होगी, मार्केट मे बी 47,000 से एक हो सकता है कि 40,000 पे कंसोलिडेट हो रही हो और करेक्शन लेके, या 41-42,000 पे। आई एम नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ वो टारगेट कि ये हो जाना है, स्टिल एक एक आइडिया है कि मगर वो इस ट्रेंड को किसी ना किसी ये दिस इज व्हाट इट इंडिकेट्स। अगेन अभी अभी तक एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स अपनी हाईएस्ट वैल्यू पर भी नहीं पहुंचा, ये भी ध्यान में रखिए। बोलिंजर बैंड्स को अगर आप देखिए तो बोलिंजर बैंड्स पे हमारे पास जो कैंडल्स हैं अपर बैंड से ऊपर क्रॉस कर रही हैं, ये ध्यान में रखिए। इन एक्सट्रीम ओवरबॉट ये आपको इंडिकेट कर रहा है, और अगर ये अपने आपको एक्सट्रीम ओवरबॉट इंडिकेट कर रहा है तो ये इसके बाद इसको ही बोलिंजर बैंड्स तो क्लियरली क्लियरली आपको इंडिकेट कर रहा है कि कैंडल्स को नीचे आने की ज़रूरत है, करेक्शन को होने की ज़रूरत है, करेक्शन चाहिए। दूसरी तरफ पे आप देखिए तो आपके बैंड्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए हैं, वॉलेटिलिटी कम हुई हुई है, और इसके बाद मे बी यही होगा कि वॉलेटिलिटी ये है कि बैंड्स ने एक्सपैंड होना है। अगर बैंड्स एक्सपैंड होते हैं तो उसका मतलब है कि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। ये अगर आप इसको दोनों को देखिए कि एक तो बोलिंजर बैंड्स कह रहे हैं कि ये कैंडल्स अपनी हाई पर पहुंच गई तो उनको वापस आने की ज़रूरत है, और बैंड्स को एक्सपैंड होने की ज़रूरत और वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, तो शायद बोलिंजर बैंड्स ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि एक वॉलेटिलिटी एक हाई वॉलेटिलिटी के साथ मार्केट नीचे जाए। तो मे बी इस वक्त अगर आप देखिए भी तो सिनेरियो इसी किस्म का है कि हमारे पास इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और हमारे पास कोई नेगेटिव ऐसी न्यूज़ नहीं आ रही, अगर कोई आ भी रही है तो उसको इस तरह डाइजेस्ट नहीं किया जा रहा कि वो करेक्शन में ट्रांसलेट हो सके। तो मे बी कोई एक ऐसा अनफॉरसीन इवेंट हो जाए किसी वक्त भी जो आपको एक मेजर करेक्शन दे दे किसी एक दो सेशंस में, ये आप एक्सपेक्ट रखिए, हो सकता है। स्टॉक हेस्टिक को अगर आप देखिए तो स्टॉक हेस्टिक भी अपने ओवरबॉट में है, दोनों लाइन्स आर मूविंग इन क्रॉसिंग मैनर। नेक्स्ट सेशन वो आपको शायद थोड़ा सा वो भी उसमें भी सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि आपकी रेड लाइन इज अबव द ब्लू लाइन। MACD आप देखिए तो वो आपको सेलिंग प्रेशर ही इंडिकेट कर रहा है, मगर इन अ वीकर फॉर्म, दोनों का डाइवर्जेंस कम है लाइंस का, और ही शायद अब आ रही है क्रॉसिंग में भी, और इट्स गोइंग टू चेंज इनटू अ बुलिश, जो जो आपको सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है अपवर्ड ट्रेंड में इंडिकेट करे, मगर फिलहाल ये आपको इंडिकेट यही कर रहा है कि आपकी तरफ आपके ज़्यादा सेलिंग प्रेशर बेयर्स या सेलिंग प्रेशर या प्रॉफिट टेकिंग आपको ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। MACD विलियम्स एलिगेटर इज क्लियरली क्लियरली बुलिश, आपको अपवर्ड डायरेक्शन दिखाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। कमोडिटी चैनल इंडेक्स अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट में, कमोडिटी चैनल इंडेक्स भी इस टाइम फॉल कर रहा है। मैं KSE ऑल शेयर को देख लूँ तो उसका भी HEMOCO इज क्लियरली बुलिश, जिसका RSI की वैल्यू है दैट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 71, और जो स्टॉक हैस्टिक है KSE ऑल शेयर का वो भी इट्स ऑन इट्स ओवरबॉट जोन, और वो भी क्रॉसिंग है, रेड लाइन ने क्रॉस किया है ब्लू लाइन का, तो नेक्स्ट सेशन इज ऑल्सो इंडिकेटेड बाय स्टॉक हेस्टेड एज उसमें भी प्रॉफिट टेकिंग होगी या वो फ्लैट होगा। कंक्लूड माई टूडे सेशन, इचिमोको इज स्टिल बुलिश, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को मैं न्यूट्रल कर रहा हूँ, ये अपने ओवरबॉट पे है मगर अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट पे नहीं है, 71-72 की वैल्यू है, और 72 की वैल्यू है, ऊपर जाने का भी मार्जिन है, मगर इट्स आई एम गोना कैटेगराइज एज इट्स न्यूट्रल। विलियम्स एलिगेटर इज बुलिश, MACD इज बेरिश, बोलिंजर बैंड जहन में रखिए कि अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट की बैंड पे पहुंची हुई है कैंडल, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट भी हुई है, तो बोलिंजर बैंड हमें वॉलेटिलिटी भी आगे आगे शायद इंडिकेट कर रहा है, किसी टाइम भी वॉलेटिलिटी स्टार्ट हो सकती है,
और वो साथ आपको ये भी इंडिकेट कर रहा है कि उसको नीचे सेटल होने की जरूरत है। दिस इज बेरिश। कमोडिटी चैनल इंडेक्स अपने एक्सट्रीम अबव बॉट में है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने अबव बॉट में है, इट्स मूविंग इन क्रॉसिंग, तो हमें सेलिंग प्रेशर। देखिए मार्केट सीम्स गुड, हमारे पास फंडामेंटल्स भी हैं, मगर अपने अबव बॉट जोन में है, काफ़ी इंडिकेटर्स इसके अबव बॉट जोन में है। हमने अगर एक इंडिकेटर को अपने न्यूट्रल पे भी रखा है तो वो भी अपने अबव बॉट जोन में, सिर्फ इसलिए न्यूट्रल में रखा है कि अपने एक्सट्रीम अबव बॉट में नहीं है। तो किसी भी सेशन में वी कुड एक्सपेक्ट अ ह्यूज, कोई मुझे अगर हमें कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही तो मे बी यही हो सकता है कि हमें किसी भी सेशन में एक बड़ी बड़ी करेक्शन मिल जाए। मेरा मतलब 800-900 पॉइंट की अगर नहीं मिलती तो मार्केट को इसी सेशन में फ्लैट रहने की ज़रूरत है, ये जहन में रखिए। एवरेज ट्रू रेंज है 468 पॉइंट्स की है, इट मीन्स कि आपको ऑन एवरेज KSE 100 इंडेक्स 468 पॉइंट्स की एवरी डे वॉलीटिलिटी आपको दिखाता है, चेंज दिखाता है इन आइदर डायरेक्शन। फॉर मंडे आप अगर रेड आप सेशन एक्सपेक्ट करते हैं होता है तो सपोर्ट इज 46,655 पहली, उसके बाद 46,404 इज थर्ड सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट द थर्ड वन इज 46,062। इन केस ऑफ ग्रीन सेशन आपको रेजिस्टेंस मिलेगी 47,247 पे, सेकंड इज 47,589 एंड थर्ड 47,840 पे आपकी रेजिस्टेंस है। डिस्क्लेमर एट द एंड, आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय सेल रिकमेंडेशन, नो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, किसी किस्म की आपको मैं रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा। अपना ख्याल रखिए, आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, यू मेक मोर मनी इन स्टॉक मार्केट, बी केयरफुल, बी कॉशियस इन योर ट्रेडिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।